आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की फ्री टीकाकरण की मांग हो गई पूरी। बहुजन समाज पार्टी के दबाव के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदलना पड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही हम बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने सरकार को हमेशा ही नसीहत दी। आप देख रहे हैं जब से इस देश के अंदर कोरोना महामारी का यह प्रभाव शुरू हुआ था तब से बहन कुमारी मायावती जी जो है वो जनता के हितों में, लोगों के हितों में हमेशा से ट्वीट के माध्यम से सरकार को नसीहत देते हुए नजर आई। वहीं फ्री टीकाकरण की बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी बहुत दिनों से अड़ी हुई थी। उन्होंने कहा था कि तमाम लोगों को इस दलगत राजनीति से बाहर निकलकर हर जाति और हर वर्ग के लोगों को, गरीबों, मजदूरों और किसानों, तमाम तबके के लोगों को यह वैक्सीन मिलनी चाहिए। और ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने जो बात कही थी वो बात अब केंद्र सरकार ने मान ली है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से ये कहा है कि देश में कोरोना प्रकोप की दूसरी लहर के अति घातक सिद्ध होने के बाद अब आगे इसे बचाव के लिए 21 जून से सभी के लिए फ्री टीकाकरण का केंद्र का फैसला देर से ही सही लेकिन उचित कदम। हालांकि बीएसपी इसकी मांग शुरू से ही करती रही है, अब आगे इस काम को काफी मुस्तैदी से करने की जरूरत। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि सघन टीकाकरण ही कोरोना महामारी से बचाव का उपाय है। इससे इनकार व लापरवाही अनुचित व जानलेवा है। इससे राजनीति, आशंका, आरोप प्रत्यारोप व श्रेय लेने देने आदि से भी दूर रखकर केवल जनहित में तत्परता से काम करना समय की मांग है। अब बिना समय गवाए इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ध्यान देना जरूरी है। बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जिस प्रकार ये कोरोना महामारी और कोरोना महामारी के ऊपर जो वैक्सीन आई है, फ्री वैक्सीन, फ्री टीकाकरण को लेकर जो मामला पूरे देश के अंदर चल रहा है, तो इस बात को लेकर कोई भी राजनीति ना करे और ना ही इसका श्रेय लेने का प्रयास करे। यह सिर्फ मानव सेवा का काम है और इस समय तत्परता के साथ और बड़ा मन दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए जनहित में काम करना बहुत ज़रूरी है। बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम लोगों से अनुरोध किया है कि इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण करना ज़रूरी है और यह जो टीकाकरण है यह सुचारू रूप से होने की भी बात बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।